सो हे गाइज, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। दोस्तों 9 फरवरी को सिनेमा घर के अंदर बॉलीवुड की मूवी तेरी बातों में ऐसे उलझा जिया को रिलीज कर दी गई थी। वहीं पे अगर बात करें तो इस मूवी का जो कलेक्शन है काफ़ी बेहतरीन तरीके से काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस के साथ देखने मिल रही थी। लेकिन दोस्तों ये मूवी आज सिनेमा घर के अंदर अपना 34वां दिन कम्प्लीट करने वाली है और इस मूवी का जो 5th वीक का कलेक्शन है वो डाउनफॉल के साथ नज़र आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली अगर बात करें तो काफ़ी लंबे समय तक ये मूवी थिएटर्स के अंदर कमाई करती हुई नज़र आ रही है और अब बड़ी मूवीज थिएटर के अंदर रिलीज हो रही है तो उसके वजह से इस मूवी के लिए जो स्क्रीन काउंट है वो भी कम हो रही है, जिसकी वजह से इसके कलेक्शन के अंदर अब हमें डाउनफॉल देखने मिल रहा है। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया मूवीज के Day 34 के कलेक्शन के बारे में, साथ ही में बात करेंगे 33 डेज के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और उसी के साथ बात करेंगे ये मूवी अपने 34 दिन में टोटल नेट इंडिया कलेक्शन किस तरीके से करती हुई नजर आ रही है। सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, इसी तरीके के अपडेटेड वीडियो आप सभी के लिए लेके आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात कर ले इस मूवी के कलेक्शन के बारे में। तो ये मूवी अपने पहले वीक में 44.35 करोड़ की कलेक्शन के साथ नजर आई थी, जहां पे सेकेंड वीक में 21.65 करोड़ की कलेक्शन की थी। ये मूवी अपने थर्ड वीक में टोटल 10.75 करोड़ की कलेक्शन के साथ नजर आई थी और वहीं पर अगर बात करें तो ये मूवी अपने 4th वीक में टोटल 5.1 करोड़ की बेहतरीन कलेक्शन के साथ नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों अब इस मूवी के कलेक्शन के अंदर हमें डाउनफॉल दिखने मिल रहा है। लेकिन उसी के साथ बात करें तो 5th वीक के अंदर जैसे इसने एंट्री मारा था उसके वीकेंड पे, यानी कि अपने 5th वीकेंड पे 2.35 करोड़ की अच्छी खासी कलेक्शन के साथ नजर आई थी और अब इस मूवी के कलेक्शन के अंदर डाउनफॉल देखने मिल रहा है, जहां पर वर्किंग डे का भी रीजन हो सकता है और बड़ी बड़ी मूवी होने के वजह से या फिर बड़ी बड़ी मूवी के रिलीज होने की वजह से इस मूवी की स्क्रीन काउंट कम होने का भी वजह हो सकता है। तो वहीं अगर बात करें इस मूवी के Day 33 के कलेक्शन के बारे में तो ये मूवी अपने 33वें दिन पे 18 से 20 लाख की कलेक्शन के साथ नजर आ रही है और वहीं पे अर्ली एस्टिमेट के रिपोर्ट के हिसाब से ये मूवी अपने 34th डे यानी कि अपने 5th वेडनेसडे पे 15 से 20 लाख के आसपास की कलेक्शन करती हुई नजर आ सकती है और इसी तरीके के कलेक्शन करते हुए ये मूवी अपने 34th डे पे टोटल 84.1 करोड़ की नेट इंडिया कलेक्शन कंप्लीट करती हुई नजर आ रही है। और उसी के साथ बात करें इस मूवी के टोटल 33 दिन के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में तो ये मूवी अपने 33 दिन में टोटल 139.35 करोड़, जी हाँ दोस्तों 139.35 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपने 33 दिन में वर्ल्ड वाइड के अंदर कंप्लीट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से अब इस मूवी की स्क्रीन काउंट कम हो रही है उसके हिसाब से अब ये मूवी अपने 150 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को कंप्लीट करती हुई नजर नहीं आ सकती है। दोस्तों इस मूवी के 150 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बॉलीवुड के साथ साथ बाकी सारी मूवीज वेब सीरीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के छोटी से छोटी लेटेस्ट और एक्यूरेट अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।